Nee, don't kill na. चलिए आज हमने 3.3 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बता देते हैं और उसके बाद फिर 3.4 में आएंगे। देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 ये वाला। इसमें कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो मान लेते हैं कि भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर x/y है, क्योंकि 2 चर वाला है तो इसे हम लोग x/y मान लेते हैं। x/y मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। अब आते हैं प्रश्न से। बोला था अंतर है दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये हो गया मेरा समीकरण 1। इसको पहले हल कर सकते हैं हम। इसका सेकेंड पार्ट है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर दोनों में तो 5/6 हो जाती है, तो बराबर हो जाएगा 5/6। अब इसको हल करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 11 × 22 11x + 22 बराबर 9y + 18। तो 11x - 9y = 22 उधर जाएगा, तो 18 - 22 - 4 ये हो गया समीकरण 1। अब इसमें आते हैं, इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6x + 18 = 5y + 15, मतलब 6x - 5y = -3 ये हो गया समीकरण 2। अब इसको चूंकि 3.3 का हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, +9y, therefore x = -4 + 9y / 11। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 3, और ये मान किसमें रख देते हैं, 2 में 3 को रखने पर ये मान किसमें रख देते हैं, रखने पर इसको रख देते हैं, तो x का मान किस में रखते हैं, हो जाता है 6 × -9y / -5 = -3। अब इसको हल करेंगे, तो हो जाएगा -24 + 9 = 54y। ये मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें क्या करते हैं कि यहीं पर एलसीएम ले लेते हैं, ये 11 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कोई नहीं तो 1 है तो 11 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इधर हो गया माइनस, ये 5 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा 9×6 = 54 हो गया, ये 54y, ये हो जाएगा 55y = -3। अब 11 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24 + 55 = -y, एक घटेगा माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 ये हुआ। अब क्या करते हैं, सब जगह ये माइनस ये प्लस हट जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और माइनस सब में से माइनस को कॉमन लेके हटा देते हैं, हो जाएगा y + 24 = 33। तो y = कितना हो गया, 33 - 24, मतलब हो गया आपका 9। y का मान निकल गया 9। अब y का मान जब 9 निकल गया तो इसी मान को 3 में रखेंगे, y का मान 3 में रखने पर इसी मान को रखते हैं, तो x = -4 + 9 × 9 / 11। 9 में 81 में से 4 गया 77/11, 11 × 77 = 7, इसलिए भिन्न बराबर x / y
मतलब 7/9 यही हो गया मेरा पास आंसर। इसको इसी रूप में बनाना था। चलिए सबको समझ में आ गया, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पूछे कि प्रॉब्लम है या नहीं, तो अगर हाँ में जवाब देना तो वाई लिख करके डालिए, और अगर नहीं में जवाब देना है तो एन लिख करके डालिए, ताकि हमको पता चले, नहीं तो हमको कोई पता ही नहीं चलता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आ गया तो वाई लिख करके डालिए। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्क्रीन शॉट खींच लीजिएगा, अब 3.4 में आएंगे हम। इसको मिटाएंगे और 3.4 में आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। एक चम्मच ले लिया था, अभी चम्मच में ऐसे हैं। चलिए अब आते हैं 3.4 में। जब 3.4 में आएंगे तो 3.4 का जो है वो हम लोग को पढ़ना है विलोपन विधि, इसी को हल करना है लेकिन विलोपन विधि से, तो हम लोग विलोपन विधि में काम करेंगे। अब इसमें काम करेंगे हम लोग विलोपन विधि में, विलोपन विधि से हम लोग को इसको हल करना है। जब विलोपन विधि में आते हैं तो एक क्वेश्चन लेते हैं, विलोपन विधि में करना क्या है आप लोगों को, विलोपित कर देना है। जैसे कि सपोज करते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, सपोज करते हैं ऐसा है। इसमें आपको एक चीज को हटाना रहेगा, x को हटाइए या y को, हम यहाँ x को अंदर अथी किए हैं बॉक्स में डाले हैं, x को हटाइए या y को, एक ठो किसी को भी हटाना रहेगा हम लोगों को, मतलब एक ठो को हम हटाने के लिए एक इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के लिए। इससे पहले ही बना लेते हैं जो बना रहे थे अभी, देखिए 3x - y = सपोज कर लेते हैं 16, और 4x + 3y = 24, मान लेते दो इक्वेशन हम इस तरह कलेक्ट कर लिए, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये मैसे ही लिए हैं, ये दो इक्वेशन को हम लोग लेट कर लेते हैं। अब इसमें एक ठो को विलोपित करेंगे, किसी भी एक को, ठीक है, किसी भी एक को हम लोग विलोपित करेंगे। तो विलोपित के लिए क्या करना है, या तो ही जैसे कि यहाँ पर 3 जो है सो x का कोएफिशिएंट है, गुणांक है, और y का -1 है, यहाँ पर x का 4 है और y का 3 है, तो हमको एक ठो को बराबर करना है, चाहे तो x का दोनों कोएफिशिएंट को बराबर करें या तो y का दोनों कोएफिशिएंट को बराबर करें, और बराबर करके उसको हटाना है, काटना है। तो क्या करते हैं कि इसमें x में ही काम करते हैं, इसको यहाँ वाला से 4 से गुणा कर देते हैं और इसको इससे 3 से गुना कर देते हैं, ये हमेशा आपको काम आएगा, इसी तरह से इसको करना है, ये इसका जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे इसको और इसका जो रहेगा उससे इसको कर देंगे, दोनों को गुना कर देते हैं, तो इसमें क्या बन जाएगा, 4 * 12 x - 4y = 64, और इसमें क्या बन जाएगा 3 * 12 x + 9y = 24 / 72। अब मेरे पास ये दोनों नया समीकरण तैयार हुआ, ये 3 से ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, 4 से ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, ये भी गुना होगा, तीनों को गुना करेंगे हर टर्म को जितना रहेगा सारे टर्म को, यहाँ मेरे पास दो इक्वेशन बन गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 12x है, यहाँ पर भी 12x है, और दोनों प्लस है, इसका मतलब अगर दोनों को घटा दे हम तो ये दोनों कट जाएगा और हमको ये बच जाएगा, और इसके अनुसार y का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको 1 इसको 2 बनाए थे, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से और 2 को 3 से करने पर, लिखना कि 1 को 4 से गुना किए हैं और 2 को 3 से गुना किए हैं,
गुना करते हो गया, अब इसको यहाँ पे मेरे पास मिल गया तीन गुना होने के बाद। अब क्या करते हैं, चार में बड़ा है 72 और तीन में छोटा है, क्या करते हैं बड़ा वाला से छोटा वाला को घटाते हैं। चार से तीन को घटाने पर तो आप इसको दो तरह से घटा सकते हैं, ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं, अगर बगल लिख के घटा सकते हैं। ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आप लोग अगर बगल वाला कीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे लिखते हैं पहले 12x + 9y ब्रैकेट में माइनस 12x - 4y इक्वल टू इधर का 72 और इसका 64, यही लिखना है मेन। आप लोग इसी तरह से लिख के घटाएगा, ऊपर नीचे लिख के नहीं घटेगा तो उसमें गलती हो जाएगा आप लोग का। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग अगर बगल करके घटाइए। अब इसको हल करते हैं, 12x ब्रैकेट आप खोल रहे हैं 9y माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 72 में से 64 गया 8, इसमें ये 12x घट कर जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, प्लस है माइनस है, 9y में से 4y जुड़ जाएगा तो 13y बराबर 8, इसलिए y बराबर तो 8/13, ये हमको y का मान मिल गया। अब इसी तरह से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के क्या करेंगे, y का मान किसी भी 1, 2, 3, 4 कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण सबसे आसान जो पड़ता है x में, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस y के जगह पर 8/13 बराबर 16। अब इसको उधर ले जाएंगे बिना x वाला को, तो 16 जोड़ 8/13 यहाँ पर आप लिखते हैं इसको, इसका मान हो जाएगा 3x बराबर या कुछ नहीं तो 1 है, LCM लेंगे तो 13, तो 13 गुना 16 जोड़ 8, 16 13 गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा मेरे पास 16 160 16 3 48 मतलब 208 हो जाएगा, 208 जोड़ 8/13 तो 216/13, ये कटेगा नहीं, ये कट तो रहा नहीं, 13 13 8 81 86 नहीं कटेगा, तो हम लोग लिखेंगे 3x = इतना, इसलिए x = तो 216/13 गुना नीचे जाएगा 3 मतलब 216/39 6 7 8 9 ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 2 6 और 13 3 39 अब नहीं कटेगा, मतलब x का मान हो गया 72/13, ये हो गया x का मान और यहाँ जो निकला था वो हो गया y का मान। इस तरह से हमको x और y का मान निकल गया। आपका आंसर सही है कि गलत है वो भी चेक किया जा सकता है, पहले यहां तक समझ में आ गया या किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया हो तो y लिख के डाल दीजिए। हाँ ठीक है, और हम पहले ही बोल दिए थे कि ये क्वेश्चन आप लोग किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, किताब से बाहर से किए थे हम। फिर से बता दे रहे हैं, इसका विलोपन विधि है नाम है, और इसमें आपको एक ठो को काटना रहेगा, चाहे एक्स को या वाई को, जिसको भी काटिए, एक को काटिएगा तो आपका काम होगा। और एक चीज बता देते, अभी आपका आंसर सही है कि गलत वो चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चेक करने के लिए वाई का मान और एक्स का मान किसी भी समीकरण में चारों में से, तो हम क्या करते हैं, जांच x और y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखते हैं तो 3 × 72/13 घटाओ 8/13 ये हो गया मेरा इधर का LHS, जांच कर रहे हैं y का, x का मान 72/13 आया है और y का 8/13 आया है, कि दोनों मान को बैठा दिए LHS में, इसका बायां तरफ में ये 16 आना चाहिए, अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, दोनों का 13 होगा, 13 3 × 72 7 21 210 216 घटाओ 8 मतलब हो गया 216 में से 8 जाएगा 208/13, इसको काटते हैं 13 1 का 13 और बच जाएगा कितना
सात, तेरह छह अठहत्तर, सोलह। ये आ गया आपका आर एच एस, मतलब कि आपका जो आंसर आया सो सही है। अगर ये नहीं आया आर एच एस मतलब आपका आंसर गलत है। आप एग्जाम में भी ऐसे चेक करके जान सकती हैं कि आंसर आपका सही आ रहा कि गलत आ रहा, ठीक है। ये समझ सब इसी तरह से बनेगा। उसमें कुछ कुछ ऊपर का क्वेश्चन दिया हुआ करना है आपको, ये 3.4 का समीकरण बना के हल कर लेना है, और कल किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फिर उसको पूछ लेना, ठीक है। तो आज यहीं तक रखेंगे क्लास, आज यहीं तक क्लास रखेंगे, यहीं छोड़ते हैं 3.4 को, ये खत्म हो गया। बोले चमचे चमचे पीना बेटा।